हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में लिंक्स इंसर्ट करना सीखते हैं। पहले हम एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करके देखते हैं। तो लेट से यहाँ पे एलन मस्क का विकिपीडिया पेज ओपन है, इसका लिंक हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ गूगल डॉक्यूमेंट पे आके हम कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट करेंगे, फिर एंटर करना है। अब अगर आप इस लिंक पे आओगे तो आपको यहाँ एलन मस्क के विकिपीडिया पेज का प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक को एडिट करने का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे रिमूव लिंक का ऑप्शन है। तो अगर आप रिमूव लिंक पे क्लिक करोगे तो अब ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लगेगा। हम इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जेड प्रेस करके। इसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस यू आर एल विथ इट्स टाइटल, मतलब इसका जो ओरिजिनल टाइटल है उससे भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने एलन मस्क के विकिपीडिया पेज के लिंक को उसी के टाइटल से रिप्लेस कर दिया है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, तो आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये डिस्प्ले टेक्स्ट होगा। लेट्स से मैं ऐड करूँगा एलन विकी पेज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इस एक्सटर्नल लिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट हो गया एलन विकी पेज। इसके अलावा हम गूगल की कुछ एक्सटर्नल फाइल्स को भी इंसर्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए गूगल ड्राइव पे आऊँगा, एंड लेट्स से यहाँ पे जो सैम्पल डॉक्यूमेंट है उसका लिंक कॉपी करूँगा। तो राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ गेट लिंक पे क्लिक करना है। नेक्स्ट कॉपी लिंक पे प्रेस करो तो इससे लिंक कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गूगल डॉक्यूमेंट पे आके यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट करना है। तो आपको सजेशन आएगा टू रिप्लेस विद सैंपल डॉक्यूमेंट, मतलब इसको सैंपल डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट का लोगो दिखेगा, एंड नीचे आपको इसका प्रीव्यू भी दिखेगा, एंड कुछ और डिटेल्स भी दिखेगी जैसे यू आर दी ओनर, इसके अलावा इसमें लास्ट चेंजेस कब हुए थे वो सब। एंड इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हो, एंड राइट में आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन भी दिख रहा है। इसके अलावा लेट से हम कोई दूसरी गूगल फाइल कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट्स वाली गूगल सीट है, इसका लिंक कॉपी करेंगे। तो राइट क्लिक करके गेट लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपको कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, फिर गूगल डॉक्यूमेंट पे आके कंट्रोल वी प्रेस करके इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी सजेशन आएगा टू रिप्लेस विथ रिजल्ट, तो आप इस रिजल्ट वाली गूगल सीट से इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप गूगल सीट का आइकन दिख रहा है, अगर रिजल्ट पे आप कर्जर लाओ तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखेगा, नीचे इसकी कुछ डिटेल्स भी दिखेगी, यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन भी दिखेगा। नेक्स्ट हम गूगल डॉक्यूमेंट में इंटरनल लिंक्स इंसर्ट करना सीखेंगे। इंटरनल लिंक्स का मतलब हम इसी डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स या बुकमार्क्स के लिंक्स इंसर्ट करेंगे। लिंक्स इंसर्ट करने के लिए आपको टूल बार में लिंक का आइकन दिखेगा जिसका नाम है इंसर्ट लिंक, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स पे क्लिक करना है। तो इस डॉक्यूमेंट की जो भी हेडिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो लेट से हम यहाँ पे एल्गोरिदम्स वाली हेडिंग को इंसर्ट करेंगे, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम्स वाली हेडिंग का लिंक इंसर्ट हो गया, एंड इस लिंक पे क्लिक करके आप एल्गोरिदम्स वाली हेडिंग या टॉपिक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम्स वाले टॉपिक पे आ गए हैं, एंड यहाँ पे एल्गोरिदम्स वाले लिंक के राइट में आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, एंड यहाँ एडिट लिंक का भी ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करके आप डिस्प्ले टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो लेट से मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ टॉपिक वन, एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो अभी एल्गोरिदम्स की जगह यहाँ टॉपिक वन डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इस लिंक को हटा भी सकते हो, तो रिमूव लिंक पे क्लिक करना है। तो अब बस ये नॉर्मल टॉपिक वन टेक्स्ट है, इसमें कोई भी लिंक नहीं है। इसको हम फिर से अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बुकमार्क्स को इंटरनल लिंक की तरह इंसर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट या टॉपिक को बुकमार्क करेंगे। लेट्स से यहाँ पे जो AI इंटरेक्ट है इसको हम बुकमार्क करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करना है, फिर आपको इंसर्ट पे जाना है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो बुकमार्क का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुकमार्क का आइकन आ गया, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टेक्स्ट है वो बुकमार्क हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट करेगा, एंड यहाँ पे आप इस बुकमार्क के लिंक को कॉपी कर सकते हो, या डिलीट का ऑप्शन है, इससे आप हटा भी सकते हो। अभी के लिए हम इस बुकमार्क को इंटरनल लिंक इंसर्ट करने के लिए यूज लेंगे। इसके लिए आपको टूल बार में लिंक के आइकन पे फिर से क्लिक करना है, एंड यह हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स में स्क्रॉल डाउन करोगे तो लास्ट में आपको बुकमार्क्स दिखेंगे। लेट से हम इस बुकमार्क को इंसर्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेट से हम टेक्स्ट डिस्प्ले है उसमें लिख देते हैं बुकमार्क वन, एंड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने बुकमार्क का डिस्प्ले टेक्स्ट भी चेंज कर दिया है। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो इससे ये बुकमार्क टॉपिक पे चला जाएगा। इस वीडियो में अभी तक हमने लैपटॉप यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में लिंक्स इंसर्ट करना सीखा। नेक्स्ट हम गूगल डॉक्स का मोबाइल ऐप यूज करके लिंक्स इंसर्ट करना सीखते हैं। यहाँ पे हम पहले कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना सीखते हैं। तो लेट से हम कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर 12 का लिंक कॉपी करेंगे। इसके लिए लेक्चर 12 के राइट साइड में जो 3 डॉट्स है उन पे क्लिक करो, फिर शेयर पे क्लिक करो, यहाँ कॉपी लिंक का आइकन दिखेगा उस पे क्लिक करो। तो इससे इसका लिंक कॉपी हो जाएगा। फिर आपको गूगल डॉक्स में आके यहाँ पे फिंगर प्रेस करना है, एंड नेक्स्ट पेस्ट पे क्लिक करना है। तो इससे अपना लिंक पेस्ट हो गया। नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है, तो इससे ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सजेशंस आ रहा है, ओपन, एडिट लिंक, रिमूव लिंक।
लेट से हम इसको एडिट करेंगे तो एडिट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप डिस्प्ले टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हो। तो लेट से मैं लिख देता हूँ लेक्चर 12 एंड उसके बाद ऊपर जो टिक मार्क है उस पर क्लिक करो तो अपना लिंक का डिस्प्ले टेक्स्ट हो गया लेक्चर 12। उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हम इस डॉक्यूमेंट के इंटरनल लिंक्स को इंसर्ट करना सीखते हैं। इसके लिए आपको टॉप में जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, फिर आपको लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स दिखेगी एंड बुकमार्क्स भी दिखेंगे। तो लेट से यहाँ पे जो बुकमार्क है उसी को हम इंसर्ट करेंगे तो उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम टॉप में जो डिस्प्ले टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं तो उस पर क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं B Mark 1 एंड आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बुकमार्क का लिंक इंसर्ट हो गया है जिसका नाम है B Mark 1 एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे टॉप में फॉलो लिंक का ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर पेज पे या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जा सकते हो। तो हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर बुकमार्क पे आ गए हैं। इस वीडियो में हमने लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों डिवाइसेज यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में अलग अलग टाइप के इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स को इंसर्ट करना सीखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।